वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज अपर्णा मिश्रा फ्रॉम विमेनशाइन, वेलकम्स यू ऑल टू अनदर इंस्पायरिंग सेशन। आज हमारा जो एपिसोड है वो 50th एपिसोड है, एंड आज का दिन हमारा जो इट्स इंटरनेशनल यूथ डे एज वेल, सो वी हैव अ वेरी इंस्पायरिंग पर्सन विद अस। बट बिफोर गोइंग ऑन एंड आस्किंग वेरियस थिंग्स, आई वुड लाइक यू टू सी दिस वीडियो ऑफ हर्स एंड प्लीज गेट इंस्पायर्ड बाय दैट। Today we have a very inspiring person, जिसे मैंने आपको पहले ही बताया था। और before that we ask her कि कब, कैसे, क्यों, कहाँ। So let's see, let's welcome Neha Bhatt over here. Neha, good evening Neha. Hello, good evening ma'am. कैसे हो आप? मैं मस्त हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। नेहा, ये जो हमारा WS लाइव टॉक्स होता है, इसमें हमारा ये आज का 50th एपिसोड है, और इसमें हम लोग जो हमारी जर्नी रही है बहुत अच्छी रही है। इसमें हम ऑथर्स लाते हैं, हमारी जो काफ़ी कुछ हमारे एपिसोड से सेलिब्रिटीज थे, विमेन एंटरप्रेन्योर्स थे, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स थे, सोशल एक्टिविस्ट थे। तो इसमें क्या होता है कि हम बिल्कुल एक मतलब इट्स लाइक अ चिट चैट कॉन्वर्सेशन होता है, इसमें कोई प्रिस्क्राइब्ड स्क्रिप्ट नहीं होती है, हम जनरल बात करते हैं। और हमारा मेन पर्पस होता है कि जो आप काम कर रहे हो उससे हम कुछ गेन करें, हम इंस्पायर हों जो हमारे लोग देख रहे हैं, और हम आपके बारे में भी पब्लिश करते हैं। और आज मैं सबको बताना चाहूंगी नेहा भट्ट हमारे अगस्त एडिशन के कवर पेज पर भी है। सो यस नेहा, दिस इज अनदर अचीवमेंट, एंड सब कुछ मतलब बहुत कुछ है जो आपसे बात करनी है। पहला क्वेश्चन तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि सारी बातों से पहले आपका चाइल्डहुड कैसा रहा, बचपन कैसा रहा आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका ये 50th ऑफ सेशन है, और आपने मेरा अपनी मैगजीन के कवर में फोटो डाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही आप मतलब हमारी कम्युनिटी को भी इतना सपोर्ट करे, वैसा मैं विश करती हूँ। और आपके 100 में एपिसोड में भी मैं आपके साथ हूँ, ऐसी भी मैं विश करना चाहती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो नेहा है उसको सब जानते हैं, पर जो पहले की नेहा थी उसको वैसे कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं बहुत मूडी थी, सोशल मीडिया में 000 होती थी, इंस्टाग्राम में कभी 10 लोगों को फॉलो किया तो अनफॉलो कर दिया, फेसबुक में फैमिली वाले 5 फ्रेंड्स को रखा, फिर मूड हुआ तो सबको 00 करके सिर्फ देखने के लिए यूज किया, तो कोई जानता नहीं है ना। मैंने कभी अपनी फेस की फोटो भी नहीं डाली थी सोशल मीडिया पे, जब भी मैं डालती थी बैक साइड ही डालती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे पहचाने, कोई जाने। तो बचपन मैं थी बहुत मस्तीखोर, वैसे मेरे साथ रहने वाले लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी और वहाँ पे 1500 गर्ल्स थी, गर्ल्स खुद थी। गुजराती मीडियम गवर्नमेंट स्कूल से मैंने 12th तक पढ़ाई की, वो 1500 सारी गर्ल्स मुझे जानती है, क्योंकि मेरे जितना मस्ती कोई नहीं करता था स्कूल में। रोज एक बार प्रिंसिपल के ऑफिस में तो लेके ही जाते थे मुझे, या तो फिर मैं लास्ट बेंच पे बैठ के शायरियां लिखती थी, या फिर मैं सीट के नीचे बैठ के नाश्ता खाती थी, या फिर पेट पकड़ के सर दर्द का बहाना करके ग्राउंड में खेलती थी। तो सिर्फ वर्चुअली लोग जानते थे, सोशली कोई नहीं जानता था। तो मेरा पहले का जर्नी तो आप मेरे गांव में जाके पूछो तो बच्चा बच्चा जानता है कि ये लड़की को कौन नहीं जानता।
तो जैसे आपने बताया कि आप कभी शायरी लिखती थी, कभी ये करती थी, हाँ. तो पढ़ने का टाइम कब मिला आपको, ये बताइए. मैं फैक्ट बताऊं, देखो पहले से ही मैं जॉइंट फैमिली में थी, पापा के साथ भाई थी और हम छोटे छोटे भाई बहन बहुत थे. 1-7 स्टैंडर्ड तक मेरा फर्स्ट नंबर ही आया था. अच्छा. पर 8 स्टैंडर्ड में जाने के बाद इतनी सारी बुक्स देखकर मुझे पढ़ाई करना पसंद नहीं था. हाँ, पर मैं कभी फेल नहीं हुई थी आज तक. 10th स्टैंडर्ड का एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, कि 10th स्टैंडर्ड में मेरे मतलब हाफ ईयरली एग्जाम रहता है, तो बोर्ड से पहले वाला, तो मेरे सर ने बताया कि क्लास में सिर्फ 9 लोग पास हुए हैं और नेहा भट्ट तुम्हारा 9वां नंबर है. और जो मैं खुश हो गई बहुत खुशी की बात थी कि मैं पास हो गई थी. 12th में भी मैं 40% के साथ 40% के साथ पास हो गई थी, पर हो गई थी. हो गई और हाँ, तो फेल नहीं हुई, इसीलिए पढ़ाई डजंट मैटर. हाँ, पर पहले से मेरा ड्रीम था कि मैं पुलिस में जाऊं. ओके. तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था, क्योंकि उस टाइम पे एग्जाम्स नहीं थी गवर्नमेंट एग्जाम में. हाँ, हाँ. तो पुलिस 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 दिमाग में चल रहा था, पर पहले कमाना जरूरी था. तो एक साल में मैं क्या कर सकूं, तो मैंने मोंटेसरी किया, आईटीआई किया, म्यूजिक विशारद किया, पर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली मुझे, करनी गवर्नमेंट जॉब ही थी उस टाइम पे. ओके. पर फाइनली फिर मैं फैमिली को हेल्प करने लगी, तो पढ़ाई डजंट मैटर, जो मेरा गोल था कि फैमिली के लिए कुछ करना, बस उसमें मैं सक्सेसफुल रही. आपके फादर क्या करते हैं? पहले हम जॉइंट फैमिली में थे, तो मेरे ग्रैंडफादर का बिजनेस था अनियन का. मेरा जो नेटिव है भावनगर डिस्ट्रिक्ट में महुआ, जो सौराष्ट्र का कश्मीर कहा जाता है. अच्छा. और वहाँ पे अनियंस, जो डिहाइड्रेट करके अनियंस आउट ऑफ कंट्री बेचते, उसका मेन बिजनेस. अच्छा, तो मेरे दादाजी का वो मेन बिजनेस था, तो सारे भाई उसमें ही लगे रहते थे. ओके ओके. और फिर जब मैं 1-1.5 साल की हुई, तो मेरे पापा सेपरेट हो गए हम मेरे फ्यूचर के लिए, कि भाई यहाँ पे रह के हमको दिन के 10-15 रुपए ही मिलते हैं, क्योंकि सारा जॉइंट फैमिली ने देना पड़ता है. तो मेरे पापा एक पलंग और एक फैन लेके अलग हो गए, और जब मैं छोटी सी थी, 1 साल की थी. और तभी से मेरे पापा ने इलेक्ट्रिशियन का काम किया, मजदूरी की, और मुझे और मेरे छोटे भाई को पढ़ाया. मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ मुझे कमाने में और मस्ती करने में ही इंटरेस्ट था. तो फाइनली मैं 12th के बाद मोंटेसरी करके फिर मैंने भी पापा को हेल्प करना स्टार्ट कर दिया. दैट्स सो वंडरफुल. एक्चुअली क्या होता है कि जब इस तरह से बच्चों में ये आता है कि मुझे घर में सपोर्ट करना है, तो बहुत अच्छी बात होती है. और इसको अपने आपके फादर ने कैसे लिया, मतलब अच्छे वे में लिया, ये कह रहे नहीं नहीं रहने दो मैं कर रहा हूँ, कैसे बोले वो? नहीं, एक्चुअली क्या था कि मेरे मम्मी पापा पहले से ही मेरी सारी विशेष पूरी करते थे, सारी विशेष. अगर मैं कुछ भी मांगू, मैं छोटी बच्ची थी उसका मैं बता रही हूँ, कि जब मैं प्री प्राइमरी में थी, हमारे वहाँ पे उसको बाल मंदिर बोलते हैं, वहाँ पे थी, तभी भी मुझे हर एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करवाते थे. फिर मैं 5 साल की हुई तो मुझे शिवजी बनाया था. फिर मैं 7 साल की हुई तो मुझे माता जी बनाया था, देवी. और एक लाइनेस पे मुझे 5 घंटे बिठा के सबने मेरी पूजा की. और अच्छा. मम्मी ने मुझे म्यूजिक क्लास करवाया, डांस क्लास, कथक क्लास करवाया, कंप्यूटर क्लास करवाया, स्पोकन इंग्लिश करवाया. मैं गुजराती मीडियम में गवर्नमेंट स्कूल में 40% से ही पास हूँ, पर आज मैं अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकती हूँ और किसी से बात भी कर सकती हूँ. तो मेरी मम्मी पापा ने कभी नहीं सोचा कि हम गरीब है, हमारे घर में एक टाइम का खाना भी नहीं है, पर उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया. तो फिर मेरा भी विश था कि मैं अभी उन लोगों के लिए सब कुछ करूं. देखिए, यही होता है कि हमारा भी एक फर्ज होता है कि जो वो हमारे लिए हमारे माँ बाप कर रहे हैं, हम कैसे उसको रीपे करें, हम कैसे उनके लिए करें. तो ये बहुत अच्छी बात है. तो आपने बताया, इसे आपका एक छोटा भाई भी है, वो क्या करता है?
एक्चुअली मेरे हमारे में क्या था कि ज्वाइंट फैमिली है और हमारा गांव है, तो भाई के फ्यूचर के लिए हमको एक तो खुद का मकान और भाई की गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो ही गांव में उसकी शायद फ्यूचर का सोच के उसको हमने मास्टर करवाया इंजीनियरिंग। अच्छा। और वो भी पिछले 4-5 साल से गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा था। ओके। और उसने प्राइवेट जॉब की छोड़ी, तो अभी फाइनली उसको एक जॉब मिली है। और वो मतलब अभी एक फर्स्ट सैलरी भी नहीं आई है उसकी, क्योंकि मेरे एक्सीडेंट के बाद लोगों के ताने सुन के वो तंग आ गया था, तो फिर हमने बोला कि गवर्नमेंट जॉब में कंफर्मेशन आए तब तक तो अपना धीरे धीरे स्टार्ट कर दे। तो फिर उसने तो आपकी जर्नी चाइल्डहुड बचपना और हल्का सा बड़े होने के तक, कहते हैं ना कि जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है, करेक्ट। हाँ। तो अच्छा समय आता है तो हमारा बुरा समय भी आता है, ये नियम, ये नियति का नियम है, ऐसा सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है और आपके साथ भी होता है। आपके साथ तो कुछ ज्यादा ही हो गया, तो मुझे कुछ बताइए कि कैसे ये जो आपके साथ इतना बड़ा दुर्घटना हुई है आपके लाइफ में, जो मतलब ब्रेक लगा है आपकी लाइफ में, कुछ उसके बारे में बताइए। जैसे बताया ना कि मैं 3000 पे जॉब पे लगी थी, मेरी लास्ट 33,000 सैलरी थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, ICSE स्कूल में मैं पढ़ा रही थी, 2 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे, मैं परमानेंट हो गई थी, मैंने कहाँ पे का घर बुक किया था, ये गांधीनगर गिफ्ट सिटी है, बॉम्बे की एक स्कूल है जिनका यहाँ पे मदर ब्रांच है, तो वहाँ पे मेरी 2 साल कंप्लीट हो गए थे, सैलरी फिक्स थी, करके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले थे, भाई को भी गवर्नमेंट जॉब में 2-3 सिलेक्शन हो चुके हैं, सिर्फ मेरिट में थोड़ा ज्यादा बाकी है। तो मैंने 30 साल के बाद भाई का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए महुआ में एक खुद का घर बुक करवाया। ओके। घर बुक करवाया और लॉकडाउन आ गया, तो मैं लोन नहीं करवा पाई, और 90 डेज का टाइम था कि अगर लोन मैंने पे नहीं किया तो मेरा घर चला जाएगा। अभी फाइनली लॉकडाउन खुला और मैं गांधीनगर से भावनगर होम लोन के लिए जा रही थी, और उसी टाइम पे सुबह 6 बजे मेरा एक्सीडेंट, ड्रीम पूरे होने वाले थे, घर लिया था, सब कुछ सेट था, अच्छी सैलरी थी, फैमिली भी अभी खुश था। 7th of July को मैंने घर का मुहूर्त किया था, और 17th of July एग्जैक्ट 10 डेज के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, पर जो भी मैंने हॉस्पिटल में सुना, लोग मिले, सबने बताया, क्योंकि वो जो पल था वो बहुत दर्दनाक था। मैं बस में बैठी, मेरी बस ट्रक के साथ टकराई, मैं बस से नीचे गिर गई, मेरा पूरा, ये तो मेरा पूरा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था फेस, पर पहले से ही मुझे फेस पे इतना क्रेज नहीं था क्योंकि मैं मेकअप कभी लगाती नहीं थी, तो इट्स ओके कि मेरा फेस डैमेज हुआ। 25 stitches थे मेरे, मेरे बाल बड़े थे पहले की, अगर आप फेसबुक पे इमेजेस देखेंगे तो पता चलेगा। देखा था मैंने, मैंने देखी आपकी इमेजेस, लंबी चोटी आप करते हो। हाँ, तो गिरने की वजह से मेरे सर पे भी शीशा लगा था, मेरे हाथ में छोटे छोटे बहुत सारे स्टिचेस है, मेरा पैर है वो उस टाइम पे पूरा था, पर वो शीशे के टुकड़े और स्टोन्स लगने की वजह से इन्फेक्शन बढ़ रहा था। घर वाले एक्सीडेंट प्लेस से 250 किलोमीटर दूर रहते थे, तो एम्बुलेंस वालों ने लाइटली बताया कुछ नहीं हुआ है, बस एक्सीडेंट हुआ है, तो उन लोगों ने लाइटली लिया, तो अच्छा। उन लोगों को आने में शाम के 4 बजे, सुबह 6 बजे से शाम के 4 बजे, मेरे यहाँ पे लोकल फ्रेंड्स थे जो पुलिस स्टाफ में थे, मेरा कजिन ब्रदर था, वो लोग हॉस्पिटल पे पहुंच गए थे सुबह। हाँ। पर फैमिली की परमिशन के बगैर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो उन लोगों ने नॉर्मली ट्रीटमेंट चालू किया, पर मैं बहुत सीरियस कंडीशन में थी, तो एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल, तीसरा हॉस्पिटल, फाइनली रात को 1 बजे अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर हैज डिसाइडेड कि उन लोगों को मेरा 50% पैर काटना पड़ेगा। फैमिली बहुत रोया,
मेरे फ्रेंड्स रोए, कोई पूरी रात नहीं सोया, रात को 4 बजे मेरा एम्प्यूटेशन खत्म हुआ। मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे कुछ याद भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं देखा है और मैंने सिर्फ सुना है, जो भी हुआ सब सुना है। और फिर काटा लेग, डॉक्टर को पता नहीं चल रहा था, इन्फेक्शन बढ़ रहा था। नेक्स्ट वीक मैं कोमा में चली गई, आईसीयू में थी, बचने के चांसेस नहीं थे, सोडियम लो हो गया था, खून की कमी थी, तो 11 बॉटल खून चढ़ाया, सोडियम की बहुत सारी बॉटल, मतलब के रोज की 5 बॉटल चढ़ाते थे, तो पूरे 2 महीने तक बॉटल चढ़ाई, तब मैं मेरी कंडीशन ठीक हुई। पर डॉक्टर को पता नहीं चल रहा था मैं पागल क्यों हो गई थी, चिल्ला क्यों रही थी, याद नहीं था, सबको भूल गई थी, कोमा में थी। फिर पता चला कि इन्फेक्शन बढ़ रहा है, या तो मैं मर सकती हूँ और या फिर मेरा और पैर काटना पड़ेगा। तो फाइनली 80% लेग मेरा काटा दूसरे वीक पे। रिलीजियस स्टोरी है कि मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, तो सैटरडे एक्सीडेंट हुआ, फर्स्ट एम्प्यूटेशन सैटरडे हुआ, सेकंड एम्प्यूटेशन सैटरडे हुआ, थर्ड मेरा सर्जरी भी सैटरडे हुआ, तो भगवान ने जो चाहा था वही मेरे साथ हुआ। तो एम्प्यूटेशन हुआ, फिर प्लास्टिक सर्जरी हुआ मेरा, और फाइनली जब मुझे पता चला, मतलब 1.5 साल तक तो पता नहीं था, क्योंकि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, उठ नहीं पा रही, सोती रहती थी पूरा दिन, क्योंकि जो ड्रेसिंग करते थे, मेरा जो लेग था एम्प्यूट किया हुआ, उसको दबा के एक बकेट भर के खून निकालते थे, जो खराब वाला ब्लड था, तो उसकी वजह से मेरी मेंटली कंडीशन बहुत खराब थी। मैं जोर जोर से चिल्लाती थी, पूरे वार्ड को सुनाई दे रहा था, सब आते थे कि क्या हो रहा है, पर वो जो दर्द था मेरा वो बहुत ज्यादा था। फिर जब धीरे धीरे होश में आई, तब पता चला कि मेरा पैर नहीं रहा। रोई, 2-3 दिन तक खाना नहीं खाया, पर फिर फाइनली सोचा कि अभी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई मैजिक नहीं होने वाला है, कोई जादू नहीं होने वाला है, रोना आ रहा था पर क्या करें। कुछ ऐसी चीज है कि खो गई है तो वापिस आ सकती है, पर मेरा पैर नहीं आने वाला था। बहुत दिनों के बाद आज मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ मेरे साथ, पर अगर नहीं हुआ होता तो आज आप मेरे सामने नहीं होते। मैं इतने सारे लोगों के लिए मोटिवेशन नहीं बन पाती, इंस्पिरेशन नहीं बन पाती। तो उन्होंने 30 साल मुझे लाइफ के दिए, वो बहुत अच्छे दिए, और मेरे साथ इतनी सारी मेमोरीज है कि मैं उनको, मतलब उन्होंने जो किया कुछ सोच के ही किया होगा। आज एक्चुअली क्या होता है लाइफ में, जब कुछ खराब होता है, बहुत खराब होता है चीजें, तो हमको लगता है कि क्यों हो रहा है हमारे साथ, क्यों हो रहा है, राइट? लेकिन फिर हमें लगता है कभी कभी कि जो लोग बहुत भगवान को मानते हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी बहुत मानती हूँ, कुछ लोग हैं वो नहीं मानते होंगे, तो उनको अपना अलग नजरिया है सोचने का। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हो रहा है, हो सकता है चलो यही हुआ, इससे और तो नहीं कुछ हुआ, होता ना कभी कभी ऐसे, कोई आपके साथ कुछ हुआ तो कम से कम चलो इतना ही तो हो गया, इससे ज्यादा होता तो और कुछ खराब हो जाता, तो चलो कोई नहीं, जो हुआ ठीक है अब। लेकिन होता क्या है कि अगर हम उसी में ही, जैसे आपके साथ हुआ काफी, मतलब आई थिंक दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट जो भी हुआ, तो लेकिन होता क्या है, कुछ लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी को उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी में बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं कि मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, भगवान मैं तो आपको इतना मानती थी, क्यों मेरे साथ हुआ। कुछ लोग इस तरह से बात करते हैं, कुछ सोचते हैं कि अब क्या करना है आगे, जिंदगी चलो जहां आ गई आ गई, लेकिन क्या यही जिंदगी है, हमें क्या इससे आगे बढ़ना है। तो आपकी, मतलब आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो ऐसे दिमाग में बहुत खराब ख्याल भी आए होंगे, लेकिन कैसे आपने कोप अप किया और कैसे अपनी डिफरेंट लाइफ में आप आ गए? ये जो जर्नी थी वो तो बहुत दर्दनाक थी, उसके बाद भी थोड़े हर्डल्स आए, जैसे मैंने डोनेशन लिया था मेरे प्रोस्थेटिक लेग के लिए, क्योंकि मुझे एवरेस्ट जाना था, क्योंकि जब भी मैं होश में आई, मुझे पता चला कि मेरा लेग एम्प्यूट किया हुआ है, तो लोगों ने मुझे अरुणिमा सिन्हा का एग्जांपल दिया, उनकी फोटोज दिखाई, तो मैंने बोला मैं भी जाऊंगी एवरेस्ट, मेरा भी गिनीज बुक में नाम आएगा,
और फिर लोगों से हेल्प मांगना चालू किया, क्राउड फंडिंग स्टार्ट किया, सुधा चंद्रन मैम का एग्जाम्पल दिया जो डांस करते, पर फिर दोनों चल रहे थे दिमाग में एवरेस्ट 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 एवरेस्ट, फिर गूगल सर्च किया तो पता चला उनका बिलो नहीं है, मेरा अबव नहीं है, मतलब पूरा पैर उनका बिलो नहीं है। हाँ, तो वो लोग एक साल दो साल में कुछ भी कर सकते हैं, पर मेरे जैसे जो लोग हैं जिन्होंने ये लाइफ में कभी कुछ नहीं किया है ऐसा जो एवरेस्ट जाने वाला, तो उनके लिए थोड़ा टफ रहेगा क्योंकि पूरा पैर नहीं था। और फिर गिनीज बुक में चेक किया तो पता चला कि उन दोनों का फर्स्ट फर्स्ट नंबर है, अगर मैं भी जाऊंगी तो मुझे सेकेंड नंबर ही मिलेगा। हाँ। तो सोचा कॉम्पिटिशन क्यों करनी है मुझे किसी से, सही बात। तो मैंने सोचा क्या करूं क्या करूं, बहुत सर्च किया, गूगल किया कि एम्प्यूटीज का रिकॉर्ड क्या क्या नहीं है। फिर फाइनली मैंने सोचा कि जो गिनीज बुक में ही नहीं है वो वैसा मैं करूँ। तो मैंने सोचा कि मुझे चाय बेचनी है क्योंकि उसमें 5,000 रुपये मैं चाय का स्टॉल चालू कर दूंगी, और चाय पीने बहुत लोग आएंगे क्योंकि गुजरात में मेरे जैसे ही लोग सब गटर है चाय की, चाय के पीछे पागल है, चाय के पीछे दीवाने हैं सब। और मैं खुद भी आधी आधी रात को चाय पीने जाती थी एक्सीडेंट से पहले। ओके। तो और अच्छी चाय पीने हमारे अहमदाबाद में लोग 10 किलोमीटर दूर भी जाते हैं सिर्फ 10 रुपए की चाय पीने के लिए। तो सोचा कि मैं अच्छी चाय बनाऊंगी, मेरे में कुछ तो है और ऊपर वाले का सपोर्ट रहा है तो मैं वायरल भी हो जाऊंगी और मेरा धंधा चलेगा, रोज की मैं मिनिमम 5,000 की चाय बेचूंगी तो मेरा सेट है। तो स्टार्ट कर दिया एक दिन मैंने रिवर फ्रंट पे, और पहले ही दिन मतलब मेरा क्या था कि एक्सीडेंट के बाद सब मुझे एज अ सिस्टर ट्रीट करते हैं, जब अच्छी थी तब मुझे बहुत सारे प्रपोजल्स आते थे, पर मैं कभी शादी के मूड में नहीं थी क्योंकि फैमिली ही मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था। तो अभी सब सिस्टर बोलते थे और मुझे एक्सेप्ट है कि मुझे सब बहन बोले क्योंकि एक लड़की का ड्रीम होता है कि उसको लोग इज्जत दे, और एक भाई ही अपनी बहन को इज्जत दे सकता है। बिल्कुल सही बात। तो सब मुझे बहन बोलते हैं, मुझे अच्छा लगा। तो वैसे एक भाई है, फूडी है अहमदाबाद के लोकल, उन्होंने बोला कि आप जब भी स्टॉल स्टार्ट करो ना आप मुझे बुला लेना, मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। और मैंने स्टॉल स्टार्ट किया सैटरडे को क्योंकि मेरा लकी डे है, क्योंकि उस साल में मेरा बर्थडे भी सैटरडे को ही आया था, तो हनुमान जी ने बोला सैटरडे तो सैटरडे। बस फर्स्ट डे पे मेरा वीडियो शूट हुआ, सेकेंड डे पे वायरल हुआ वो फर्स्ट वीडियो, आज मेरा 1.9 मिलियन वायरल है। अरे वाह। और नेहा आज भी सैटरडे है, नेहा आज भी सैटरडे है। लकी भाई जान से क्या मालूम। आज भी सैटरडे है तो हमारा भी कुछ कनेक्शन है क्योंकि आपकी मैगजीन के कवर पे भी मेरा फोटो लगा है ना। यस यस, वो भी आज हुआ है, वो भी आज लाइव हुआ है। अरे वाह, थैंक यू। तो तपन भाई ने मेरा फर्स्ट वीडियो शूट किया, फिर दूसरे दिन न्यूज वाले, फिर इंस्टाग्राम यूट्यूबर सब लोग, कि मैं 10 दिन तक तो सिर्फ इंटरव्यूज देती थी, चाय बना लेती थी, एक साथ 4-5 लीटर चाय बना लेती थी, भीड़ ही इतनी रहती थी, सब लोग बड़ी बड़ी कार जो मैंने सपने में भी नहीं देखी थी ऐसी कार्स लेके आते थे, अंकल आंटी दादा दादी डिसेबल्स सब लोग, स्टूडेंट्स हॉस्पिटल स्टाफ प्रोफेसर सब आते थे। 10 दिन में सिर्फ सोशल मीडिया पे नेहा 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 एम्प्यूटी नेहा एम्प्यूटी, तो किसी को बोलना नहीं आता था पर मैंने लोगों को समझाया कि जिसके हाथ या पैर काटने पड़े हैं ऐसी व्यक्ति को एम्प्यूटी बोलते हैं, डिसेबल्स अलग है और एम्प्यूटी अलग है। तो मेरी बहुत बड़ी कम्युनिटी है ऑल ओवर इंडिया में। Okay. तो इनकी वजह से मैंने एम्प्यूटी नाम रखा था, सबको मजा आता था एम्प्यूटी के बारे में जान के, मेरी चाय पी के लोग आते थे, हग करते थे और मेरे लिए नाश्ता लेके आते थे, गिफ्ट्स लेके आते थे। पर मैंने फाइनेंशियल हेल्प किसी से नहीं ली क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट
में मेरा एक बहुत ही कड़वा एक्सपीरियंस रहा था, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि हमारे पैसों से ये अच्छे से लाइफस्टाइल जी रही है, ये है वो है, जैसे बोलते हैं ना कि पॉजिटिविटी दुनिया में भर भर के पड़ी है। जिन्होंने मुझे खुल के मदद की उसमें से दो चार लोग, मैं तो स्पेशली एबल्ड हूँ, पर वो लोग मेंटली डिसेबल है जिनको मेरी खुशी नहीं सही है। तो उन लोगों की वजह से ही आज मैं एम्प्यूटी नेहा बनी हूँ। मेरे वीडियोस पहले 100 लोग देखते थे, टी स्टॉल के बाद लाखों में देखते थे, अभी मिलियंस में वायरल है। अभी पहले सिर्फ गुजरात में लोग मुझे जानते थे, लास्ट वीक में नोएडा में, तमिलनाडु, हैदराबाद, साउथ और अभी आपका यूपी में मेरा एक एक न्यूज या मैगजीन या यूट्यूब वीडियो वायरल है। और वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे मेरा कोई ड्रीम नहीं था कि मैं फेमस हूँ। पर सबसे मेरे लिए बड़ी बात ये है कि आज कभी भी कोई भी बंदा या बंदी गुजरात में एक्सीडेंट में एम्प्यूटी होता है तो वो मुझे कॉल करता है कि आप मुझे एक बार मिलने आओगे। कोई भी तकलीफ में है तो वो मुझे कॉल करता है कि आपकी वीडियो देखी, हम डिप्रेशन में थे, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मेरा ये सेट नहीं हो रहा है, आप इतना कर रहे हो तो हम भी तो कर ही सकते हैं। तो मैंने आज तक 50-60 कॉल ऐसे रिसीव किए हैं कि लोग मेरी वजह से अपनी प्रॉब्लम्स छोड़ के अपने रास्ते खुद डिसाइड कर रहे हैं। तो वही मेरे लिए पॉजिटिव बात, कितनी अच्छी बात है। वही होता है ना, कभी कभी कोई चीज खराब होती है उसमें भी अच्छाई होती है। हाँ। और जो आज आप हो जहाँ पे, ठीक है आपके साथ एक ड्रॉबैक है वो ठीक है, बट अदरवाइज जो आप चीजें देखिए, जो आज हो रहा है ये तो कभी भी नहीं सोचा होगा आपने कि इस तरह से आप इस होगा आपके साथ। और एक और चीज मैं बताऊंगी, जो विमेन शाइन जो मैगजीन है ना, ये ग्लोबल मैगजीन है, तो आप यूपी में नहीं, आप पूरे वर्ल्ड में आज दिख रहे होगे, सब आपको पढ़ेंगे। ऑनलाइन मैगजीन है, और हमारी जो मैगजीन है यूएस, यूके, कनाडा, सिंगापुर, हर जगह इसको लोग पढ़ते हैं। सो आज तो आप छा ही गए बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, जैसे कि चाय का कैसे ख्याल है, क्योंकि आप तो टीचर थी, तो आपको सबसे पहले दिमाग में आता चलो मैं ट्यूशन शुरू कर दूं या कोई कोचिंग स्टार्ट कर दूं, तो चाय पे कैसे आप आ गई? एक्चुअली मैंने पहले भी बताया था कि 12th के बाद मेरा एक ही गोल था कि मैं फैमिली के लिए कुछ करूं। तो मैंने एक साल का मॉन्टेसरी, मतलब प्री पीटीसी, प्री प्राइमरी टीचर का कोर्स किया था। अभी टीचिंग मैं पिछले 10 साल से कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि अगर बच्चे को छोटी सी भी खरो चाहिए तो या फिर स्कूल से वार्निंग मिलती है या फिर पेरेंट्स से मिलती है। अगर बच्चा छोटा हो कि बड़ा हो, एक साथ हम एक बच्चा भी नहीं संभाल सकते। तो 30 बच्चे को मैं लास्ट में 30 संभाल दी थी। सबसे फर्स्ट जॉब में मेरे पास 100 बच्चे थे। अच्छा, तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। पर मैं 10 साल से सीख गई थी कि बच्चों के साथ कैसे रहना है और बच्चों को कैसे कंट्रोल करना है, पर वो मैं नॉर्मल थी, क्योंकि एनुअल डे आता है तब उनके साथ डांस करना है, स्पोर्ट्स डे आता है तब उनके पीछे पीछे भागना है, कुछ भी फंक्शंस रहेगा तो पूरी स्कूल को डेकोरेट करना रहता है। अभी टीचर, नॉर्मल टीचर थी तब मैं खुश थी, क्योंकि मुझे फैमिली को रन करने के लिए अच्छी सैलरी मिल रही थी। मेरा ड्रीम कभी नहीं था कि मैं टीचर बनूं, पर अच्छा, मेरी फैमिली चल रही थी इसीलिए मैंने टीचर की जॉब चूज की थी, क्योंकि वेकेशन में मैं मम्मा पापा से मिल सकती थी, मेरे फैमिली से मिल सकती थी, क्योंकि टीचिंग जॉब में आईसीएसई बोर्ड में टोटल 4 छुट्टियां रहती है, समर का रहता है, नवरात्रि का रहता है, दिवाली का रहता है और बीच में क्रिसमस का रहता है। तो ये मेरा ड्रीम नहीं था, सिर्फ मेरी फैमिली ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी। अभी मेरा एक्सीडेंट हो गया तो फैमिली ने सार, पापा भी अभी वापिस मजदूरी करे 70 ईयर्स में, वो जाते हैं लाइट फिटिंग का काम करते हैं और हमारे रोज का खाने पीने का खर्चा निकालते हैं पापा, और भाई भी छोटी मोटी अभी जॉब कर रहा है ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो, मेरे पे जिम्मेदारी ना आए।
तो फिर मम्मी ने बोला कि तुझे जो पसंद है वो तू कर। एक बार मेरे पापा मेरे साथ बैठे थे, वैसे मैं बहुत कम बात करती हूँ, एक्सीडेंट के बाद मैं डिप्रेस हो गई थी, सिर्फ मरने की ही सोच आ रही थी, जीना नहीं है, क्योंकि अभी पैर के बगैर कभी गलती से उठने का ट्राई करो ना तो भूल जाते हैं कि मेरा पैर नहीं है, पहले जैसे भागते थे तो उठते टाइम पे गिर जाते हैं। तो एक बार पापा बैठे थे, उन्होंने बोला, मैंने बोला आज ये संत मुझे मिलने आए थे और वहां पे सारी पब्लिक मुझे ही देख रही थी और उन्होंने मेरे साथ फोटो खिंचवाया, तो मेरे पापा की आंख में आंसू आ गए कि जिसमें तेरी खुशी है ना तो वो कर, हमारी जिम्मेदारी अब तेरे पे नहीं है, तुझे जो मन चाहे वो तू कर। और फिर मैंने बोला कि तो मुझे टी स्टॉल करनी है, मम्मी पापा दोनों मेरे साथ 12-12 घंटे खड़े रहते हैं, मम्मी बर्तन धोती है, पापा चाय बनाते हैं, सर्व करते हैं, और अहमदाबाद की जितनी भी पब्लिक है वो फ्री टाइम पे मेरे टी स्टॉल पे आती है, क्योंकि वहां पे इतनी भीड़ रहती है कि लोग मेरी हेल्प करने आते हैं, कुछ भी काम है वो लोग करके देते हैं। तो मम्मी पापा ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं अपने मर्जी से कुछ कर पाई। मैंने टेली कॉलिंग भी किया था एक्सीडेंट के बाद, पर मेरी बॉडी बढ़ रही है तो मेरी जो नसें है वो पैर काटा उसकी सूख रही थी, चार दीवार में मैं कभी रही नहीं थी, तो मैंने बहुत ट्राई किया, ट्यूशंस करवाने में 5-6 घंटे बैठना पड़ता है, बच्चों का ध्यान रखना है, जमीन पर बैठना है क्योंकि बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल, वो फील्ड मैंने साइड में रख दिया क्योंकि मैं किसी के फ्यूचर के साथ सैक्रिफाइस नहीं करना चाहती थी। वरना मैं घर पे बैठ के, मतलब मैं बहुत चिल्लाती हूँ, अभी फैक्ट है कि मेरी मम्मी पापा पे कुछ भी मेरा नहीं होता है ना तो मैं बोलती हूँ मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरा पैर नहीं है, आप लोग भी मेरी कोई हेल्प नहीं करते, तो मैं बाहर रही ना तो मैं चिल्लाऊंगी नहीं, मैं पब्लिक देख के शांत हो जाऊंगी। इसकी वजह से फिर टी स्टॉल किया, 10 डेज के बाद रिवर फ्रंट पे मैं वायरल हुई तो मेरा टी स्टॉल भी हटाया था कॉर्पोरेशन, क्योंकि वो कॉर्पोरेशन की जगह थी, जो वीडियोस मेरे नॉर्मली वायरल नहीं हुए थे वो मेरे टी स्टॉल हटाने के टाइम पे रोता हुआ एक वीडियो वायरल हुआ था जो सिर्फ जी न्यूज में ही 3.4 मिलियन अभी भी वायरल है। अच्छा। और उसके बाद अभी मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन गई हूँ, क्योंकि कोई भी इवेंट है, बुक लॉन्च है या कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम है, वहां पे लोग मुझे बुलाते हैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, मेरी जर्नी के बारे में लोग सुन के खुश होते हैं। मैं चाय बेचने भी अलग अलग जगह पे जाती हूँ गुजरात में। अच्छा अच्छा। और अभी भी रिसेंटली एक वीडियो आपने शायद फेसबुक पे देखा है कि एक भाई है जो बोल और सुन नहीं सकते, उनकी स्टॉल हटाई। तो वैसे कई लोग हैं जो मेरे जैसे डिसेबल है, वो लोग मुझे कॉल करते हैं कि आप हमारी हेल्प कीजिए, और वो मेरा फर्स्ट ट्रायल सक्सेसफुल रहा कि गवर्नमेंट ने उसकी स्टॉल भी वापस कर दी फ्री में, और वो भाई आज दिन के 3-4 हजार भी कमा लेते हैं क्योंकि पब्लिक ने मेरे द्वारा उनको सपोर्ट किया। तो अभी मेरा प्लान है कि टी स्टॉल तो मेरा चालू ही है एक जगह पे, पर कहां पे है? मेरा, मैं अभी बापू नगर में रहती हूँ। अच्छा। तो मेरा निकोल एरिया में एक पान की दुकान के बाहर टी स्टॉल है। पर अभी हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि मैं टी स्टॉल कम जा सकती हूँ क्योंकि बारिश रही तो अभी मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरा पैर है वो वाटर प्रूफ नहीं है, तो मतलब उनको बारिश में प्रॉब्लम होता है, या फिर कोई अगर बोले कि हमारे यहाँ पे प्रोग्राम है, इवेंट है, आपको एज अ गेस्ट आना है, तो मेरा टी स्टॉल ज्यादातर बंद रहता है। तो अभी मैं परमानेंट एड्रेस किसी को शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं वहां होंगी नहीं, पब्लिक वहां जाएंगी तो मेरी नेगेटिव इमेज आएगी। तो जितने भी लोग जो प्रॉब्लम में है गुजरात में, उनके लिए हम एक फूड कोर्ट चालू करने का सोच रहे हैं। अरे वाह, जितने भी डिसेबल्स है, तो कॉर्पोरेशन कोई इवेंट रहा तो हटा देती है डिसेबल्स की स्टॉल को। तो जैसे मुझे प्रॉब्लम हुई, वो विशाल भाई को प्रॉब्लम हुई, अभी एक मिलन भाई को प्रॉब्लम हुई, तो हम सारे डिसेबल्स लोगों के लिए एक ही जगह पे फूड कोर्ट चालू करेंगे। उसके लिए हम जिसकी भी चाहे हेल्प लेंगे और पब्लिक सपोर्ट भी लेंगे, और सबका सपोर्ट मिला तो हम एक ही जगह पे सबके लिए कुछ यूनिक करेंगे।
और कुछ तो नया ट्राई करेंगे ताकि बाहर से भी आने वाले लोग स्पेशली वहाँ पे हम सबको मिल पाए, विजिट कर पाए, और वहाँ पे हम कुछ यूनिक सा इवेंट टाइप भी ऑर्गेनाइज करने का अभी सोच रहे हैं, क्योंकि तीन बार हम लोगों के साथ ऐसा हो चुका है और हम सब लोगों के लिए एक मोटिवेशनल इंस्पिरेशन फेस है कि हम लोगों में कुछ कमियां होने के बाद भी हम कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक यही एक ड्राइविंग फोर्स होती है कि हम अपनी कमियों को ज्यादा इम्पोर्टेंस ना देके हम क्या करना है लाइफ में उस पे इम्पोर्टेंस दें, उस पे सोचें तो ज्यादा अच्छा रहे। कमियां तो सभी की जिंदगी में होती हैं, करेक्ट, किसकी जिंदगी में नहीं होती हैं। अगर हम कमियों पे ही सोचेंगे तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे कभी। लेकिन जैसे आपने बताया कि जो आपका टी स्टॉल है आजकल बंद रहता है क्योंकि आप काफी सेशन अपने लेते हो, तो फिर आपको इसमें थोड़ा सा तो इनकम में प्रॉब्लम होगी इसमें, तो क्यों ना आप इसके कोई फिक्स टाइमिंग्स कर दीजिए कि आपको, जैसे आपको ये पता है कि हाँ इतने मतलब ऑल्टरनेट डेज इस टाइम से इस टाइम आज टी स्टॉल खुलेगा, तो जो भी है उसको पता है कि आज नेहा का स्टॉल खुला है, चलो उसके यहाँ चाय पीने चलते हैं, तो कुछ ऐसे भी करना चाहिए उस पे जिससे आपका जो वो चलता रहे। जैसे मैंने रिवर फ्रंट पे आपको बताया नहीं कि मैं दिन की 300-400 कप चाय बेचती थी, और फिर मैंने सोचा कि चाय को तो कभी छोड़ना ही नहीं है। अभी मैं 100-200 चाय बेच लेती हूँ क्योंकि वो पान पार्लर है, तो वहां पे रेगुलर स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उनको जिन टाइम पे चाहिए उन टाइम पे मैं अपना रनिंग खर्चा निकालने के लिए चाय बना के जाती हूँ और वहां पे उन लोगों को अच्छे से पिलाती हूँ। पर क्या है कि मेरे पास लिमिटेशंस है, मैं ज्यादा चाय बना के नहीं जाती क्योंकि मुझे अभी एक्टिवा चलाना नहीं आता, मुझे किसी की हेल्प चाहिए, कोई मुझे लेके जाएगा तभी मैं उधर जाऊंगी, और बारिश रही तो मैं शायद ना जा पाऊ तो मेरे पापा जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को मैंने फिक्स करके रखा है कि आपको मेरे यहाँ पे इस टाइम पे चाय पीने आना है, क्योंकि वो पूरा स्टूडेंट एरिया है जहाँ पे गवर्नमेंट प्रिपरेशन करते हैं लोग या फिर कोई स्टडी करता है, तो वो अभी मेरी फिक्स है। पर पब्लिक के लिए क्या है कि मैंने चार स्टॉल अलग अलग चेंज किए हैं अभी। अच्छा। तो जैसे हमारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है वो आके वीडियो बना के गए, उनका वीडियो लाखों में वायरल होता है, फिर दूसरे वीक पता चलता है कि मेरी स्टॉल हटा दी क्योंकि मैं इतनी वायरल हूँ, या तो कॉर्पोरेशन हटा देता है या जिसकी रेंट पे दुकान है वो लोग हटा देते है, या फिर जिसकी दुकान है उनको भी खाली करवा देते है। तो जब तक मेरा फिक्स ना हो जाए, किसी को किसी के धंधे में चार लोगों को मैंने नुकसान पहुंचाया है अभी तक, एक दिन में गई तो दूसरे दिन उन दुकान वाले को ही खाली करवा दिया। तो तब से मैंने डिसाइड किया कि किसी को एड्रेस नहीं देना है, लोकल जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे पास से चाय पिए, मैं दिन का 1000 रुपीज भी अर्न करूंगी अभी तो प्रॉब्लम नहीं है, पर चाय का धंधा चालू ही रहेगा। एक दो मंथ अगर किसी को नहीं बुलाया तो इट्स ओके, पर फाइनली मैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहती हूँ सबके साथ, तो थोड़े ही वक्त में फिक्स एड्रेस के साथ परमानेंट, या मैं शॉप ढूंढ रही हूँ पर शॉप का बजट नहीं है मेरा इतना क्योंकि 30,000 रेंट है यहाँ पे अभी, इतना सारा रेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि फैमिली रन हो रही है, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो देखते हैं अभी ऊपर वाले ने जो चाहा वही होगा, क्योंकि वही है जो वो करता है, उसकी मर्जी के बगैर तो मैं कुछ नहीं कर सकती, वो चाहेगा तो कुछ बड़ा होगा और वो नहीं चाहेगा तो क्या मालूम क्या होगा, पर ये सफर चालू रहेगा लोगों को इंस्पिरेशन देना, मोटिवेट करना, बस 5 लोग भी हर महीने मेरी वजह से खुश रहते हैं, मेरी लाइफ से कुछ सीखते हैं तो मेरी चाय तो ऐसे ही बिक जाएगी, क्योंकि मैं अभी जिससे भी मिलती हूँ ना उनसे मैं कभी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं लेती, सिर्फ मैं यही बोलती हूँ कि आपका हाथ, बच्चा है बड़ा है छोटा है कोई भी है, आपका हाथ मेरे सर पे रख दो, आपकी एक दुआ से मेरी पूरी लाइफ बदल जाएगी, सिर्फ एक दुआ मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचाएगी। तो अभी मैं आशीर्वाद कलेक्ट कर रही हूँ, वो बढ़ जाएगा ना एक साथ तो फिर कुछ तो बड़ा हो जाएगा मेरा। बिल्कुल बड़ा होगा नेहा, और ये जो कहते हैं ना धीरे 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 जो चीज आगे बढ़ती है वो बहुत ज्यादा दूर जाती है, एकदम से बढ़ता तो मजा नहीं आता है, और फिर उसका चार्म ही अलग होता है जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
सो नेहा थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए, और भगवान करे, मैं तो यही पूरा प्रे करूंगी कि आपका एम्प्यू टी बहुत अच्छा चले, आपको एक शॉप मिल जाए, एक प्रॉपर आपका एक ब्रांड हो जाए, जिसको कहते नहीं है प्रॉपर, जैसे कभी मैं अहमदाबाद आऊं तो मैं जरूर आपसे मिलूंगी और आपके चाय जरूर पीऊंगी आके, ये मेरा प्रॉमिस है। और थैंक यू सो मच, मुझसे जो भी सपोर्ट होगा, मेरे कुछ लोग हैं वहां पे जिनसे मैं बात कर सकती हूँ, आपके लिए कुछ आपको सपोर्ट करेंगे वो, और कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग मिल ही रहे हैं, क्योंकि हर चीज सैटरडे को हो रही है, तो कुछ तो इसमें लिखा हुआ है कहीं, तो जरूर अच्छा होगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, एंड प्लीज ऐसे ही मोटिवेशन सबको देती रहिए और खुद भी मोटिवेटेड रहिए, आई थिंक वो तो है ही आप, लेकिन और भी रहिए, आगे तक रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर आपके ब्रांड के लिए। थैंक यू सो मच नेहा, थैंक यू। कोई एक मैसेज देना चाहेंगी लोगों को जो जीवन से हताश हो रखे हैं उनके लिए? हाँ, एक मैसेज मैं देना चाहूंगी कि आज तक मैं जब से ब्राह्मीण घर में जन्म लिया है, कास्टिज्म में बिलीव नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे 9 बॉटल खून दिया है, उसमें से 4 बॉटल शायद मुस्लिम का भी खून है मेरे में, पर कास्टिज्म पर सच के साथ चली हूँ मैं पहले से। जो भी मैं बोलती हूँ मैं कभी प्रिपेयर नहीं करती, क्योंकि सच को प्रिपेयर करना नहीं पड़ता है, तो झूठ को सिर्फ याद रखना पड़ता है क्योंकि हमने क्या बोला था वो। तो मैं आज तक सच के साथ चली हूँ, इसीलिए मैं कभी हारी नहीं। लोग मुझे मोटिवेट करते हैं, मैं मोटिवेट होती भी हूँ, पर 2 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, पर अपने अंदर, खुद के अंदर खुद का मोटिवेशन, इंस्पिरेशन ढूंढने पे हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी आधी आधी चीज में नहीं कर सकती हूँ, पर मैं लोगों को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो खुद के लिए ही मैं खुद का मोटिवेशन हूँ। वैसे भी आप लोग भी हारना मत, कोई भी हमको हरा सकता नहीं, क्योंकि एक वक्त था मेरा एक्सीडेंट के बाद जब लोग मुझे एक एक्सट्रीम लेवल पे ट्रॉल कर रहे थे और मैं मरने का सोच रही थी, पर मैंने सोचा कि लोगों के बोलने से क्या फर्क पड़ता है, जब तक मैं नहीं हार मानूंगी दुनिया का कोई भी मुझे नहीं हरा सकता। और मैंने उस टाइम से डर छोड़ दिया। तो एक मूवी का डायलॉग प्रियंका चोपड़ा का मैंने सुना था कि डर को इतना भी मत डराओ कि वो डरना भूल जाए, तो फिर मैं अभी डरना भूल गई हूँ। मैं किसी से नहीं डरती, ऊपर वाले के हिसाब से चलती हूँ, वो जो करवाएगा, अगर वो सही करवाएगा तो मैं सही करूंगी, वो गलत करवाएगा तो गलत करूंगी, पर जो भी करूंगी उनकी मर्जी से, क्योंकि मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तब मेरा चाय पी के उपवास था हनुमान जी का, तो वो मेरे साथ है पहले से ही। थैंक यू सो मच नेहा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर future endeavors. Thank you. Thank you so much. Thank you.